हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने बॉम्बे ग्रुप की स्टार्टिंग की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं के हब्बर साहब। तो चलिए देखते हैं के हब्बर साहब के बारे में। अगर मैं इनका बात करें तो इनका जन्म हुआ है कहाँ पर? कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में किस जगह पर? एक कट्टिगेरी गांव है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी शिक्षा हुई थी मैसूर में, ठीक है। मैसूर के किस कहाँ पर? तो राजेंद्र तकनीकी स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो तत्पश्चात इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स हुई है, जहाँ इन्होंने पहले पढ़ाई की यानी अध्ययन किया, उसके बाद वहाँ पर ही शिक्षण कार्य किया। इनके चित्रों के विषय के बारे में बात करें तो इन्होंने दैनिक जीवन के चित्रों को चित्रित किया। इन्होंने दैनिक जीवन के जो घटनाएं होती थी उनको भावों से जोड़कर इन्होंने चित्रित किया। तो चलिए देखते हैं के हब्बर के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। के हब्बर साहब, अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? कट्टिगेरी कृष्ण हब्बर। क्या है? कट्टिगेरी कृष्ण हब्बर है इनका नाम पूरा, ठीक है। क्या है? कट्टिगेरी कृष्ण हब्बर, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म हुआ है 15 जून को हुआ है। कब हुआ है? तो 1912 में हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटक में हुआ है, ठीक। कहाँ पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक के किस ज़िले में? तो उडुपी ज़िले में हुआ है, ठीक है। और गाँव कौन सा है? तो कट्टिगेरी गाँव में हुआ है, ठीक है। चलिए इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 26 मार्च को सन 1996 में। कहाँ पर? बम्बई में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनको कला में रुचि कहाँ से उत्पन्न हुई। तो चलिए देखते हैं, इनके पिता त्योहारों के दौरान क्या करते थे? भगवान गणेश की मूर्तियाँ बनाते थे। अब वो मूर्तियाँ किसकी होती थी? मिट्टी की होती थी, ठीक है। तो इसी पृष्ठभूमि से हब्बर की कला में रुचि उत्पन्न हुई, यानी उन्होंने अपने पिताजी को भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते देखा तो उनका कला के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करेंगे तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है कहाँ पर? मैसूर में हुई है। कहाँ पर हुई है? मैसूर में हुई है। मैसूर के किस जगह में? राजेंद्र तकनीकी स्कूल में। कहाँ पर? राजेंद्र तकनीकी स्कूल से हुई है। तो इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? मैसूर से, ठीक है। मैसूर की किस जगह से? राजेंद्र तकनीकी स्कूल से। मुंबई के जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से। कहाँ पर? मुंबई के जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने क्या कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। कब? 1938 में। कब? 1938 में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि के हब्बर ने कला में डिप्लोमा कब प्राप्त किया? तो 1938 में प्राप्त किया था। कहाँ से? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। चलिए के हब्बर 1940 से लेकर 45 तक जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण कार्य किए। मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने जहाँ पर अध्ययन किया था वहीं पर इन्होंने क्या किया था? शिक्षण कार्य भी किया था। वो कौन सी जगह थी? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये 40 से लेकर 45 तक कहाँ पे? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में क्या किए हैं? शिक्षण कार्य किए हैं, ठीक है। इन्होंने यानी पढ़ाया है, ठीक है। फिर 1948 से 1950 के बीच ये कहाँ जाते हैं? ये पेरिस में जाते हैं, ठीक। पेरिस जाते हैं जहाँ पर अकादमी जूलिया में इन्होंने अध्ययन किया था। अध्ययन किसका? कला का अध्ययन किया था। कहाँ पर? पेरिस में। कब? 1948 से लेकर 50 के बीच। कहाँ पर? अकादमी जूलिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनके व्यवसाय के बारे में बात कर लेंगे। तो व्यवसाय से ये क्या थे? चित्रकार थे। और ये किसका चित्रण करते थे? ये व्यक्ति चित्र बनाते थे, व्यक्ति चित्रण करते थे, ठीक है। तो क्या ये व्यक्ति चित्रकार भी थे? व्यक्ति चित्रकार भी थे, ठीक है। प्रारंभ से ही हब्बर गरीबी, भूख और अभावों को अपने कलाकृतियों में चित्रित करते रहते थे। मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो किसका? गरीबी, भुखमरी और अभाव, जो भी जीवन में जो चीज़ें चलती हैं उनसे संबंधित इन्होंने चित्र बनाए थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हब्बर किसी सैद्धांतिक आग्रह को लेकर नहीं चले, ठीक है। यानी इन्होंने किसी एक बात को नहीं चुना। इन्होंने कहा कि पश्चिम की नकल करने में सर्वथा विरुद्ध रहे हैं, यानी जो ये हैं के हब्बर साहब, ये पश्चिम की कला की जो नकल करने के उसके हमेशा विरुद्ध रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत है, यानी अगर हम बात करें अजंता हो गया, एलोरा हो गया, काली गुफा हो गया, तो इनका इन्होंने
अध्ययन किया था, ठीक है, और उसे छोड़कर हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। इनका कहना ये था कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं हम उन पर ध्यान देना, कि हम जो पश्चिमी कला है हम उसको अंधानुकरण ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हेपबर्न ने अपने कलात्मक अनुभवों को विकसित करने के लिए अजंता एलोरा व काले गुफा को देखा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया किसका किसका, अजंता एलोरा व काले गुफा का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। हेपबर्न विदेशी चित्रकार किससे, पॉल गोगेन और पॉल सेजान से क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। किससे हेपबर्न किस विदेशी चित्रकार से प्रभावित थे, तो पॉल गोगेन से और पॉल सेजान से, ठीक है। हेपबर्न भारतीय चित्रकार अमृता सेगल से प्रभावित थे। अगर भारतीय चित्रकारों की बात करें तो ये अमृता सेगल से प्रभावित थे। हेपबर्न को अमृता सेगल का उत्तराधिकारी कलाकार माना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि के हेपबर्न का उत्तराधिकारी कलाकार, अमृता सेगल का उत्तराधिकारी कलाकार किसको माना जाता है, तो के हेपबर्न साहब को माना जाता है, ठीक है। चलिए के हेपबर्न किसके, बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक थे, ठीक है। तो किसके संस्थापक थे, बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक थे, ठीक है। और के हेपबर्न किस ग्रुप के कलाकार हैं, पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं, ठीक है। हेपबर्न की प्रसिद्धि किस लिए थी, तो ये लयात्मक रेखांकन के कारण जाने जाते थे और सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते थे, ठीक है। हेपबर्न के रेखा चित्र का संग्रह कहाँ पर है, तो इनका रेखा चित्र का संग्रह भारत कला भवन वाराणसी में है। कहाँ पर, किसका संग्रह है, रेखा चित्र का संग्रह, कहाँ पर, भारत कला भवन वाराणसी में। लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आचार्य पंडित सुंदरलाल से किसकी, नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी कलाओं में लय लाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आचार्य जो पंडित सुंदरलाल हैं उनसे नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, के हेपबर्न रेखात्मक चित्रकार कहे जाते हैं, क्या कहा जाता है इन्हें, रेखात्मक चित्रकार कहा जाता है। अब देख लेंगे इनके पुरस्कारों के पुरस्कार को, तो ललित कला अकादमी द्वारा तीन बार, कितनी बार, तीन बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें तीन बार किसके द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया, तो ललित कला अकादमी के द्वारा, कौन सा, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। 1961 में पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया गया, ठीक, कब पद्मश्री ने कब मिला, 1961 में। 1981 से 1984 के बाद ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक। तो ये किसके, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, कब से कब तक, 1981 से लेकर 84 तक। 1989 में पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री 1961, ठीक है, 1989 में पद्म भूषण, ठीक है। नेक्स्ट है 1976 में ललित कला अकादमी का रत्न सदस्य मनोनीत किया गया, कब, 1976 में, क्या, किसका, ललित कला अकादमी का रत्न सदस्य ने मनोनीत किया गया था। आर्ट नाउ इंडिया में हेपबर्न ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीता, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 में किया गया था, ठीक है, ब्रुसेल्स और लंदन में। आर्ट नाउ इंडिया, ठीक है, ये क्या थी, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी, जहाँ पर इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ब्रुसेल्स और लंदन में किया गया था। कब किया गया था, 1965 में था, ठीक है। और इसी प्रदर्शनी में इन्होंने क्या किया था कि इनकी पेंटिंग सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या किया था, दर्शकों का दिल जीत लिया था। नेक्स्ट, इनके कुछ प्रमुख चित्रों को, तो इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला ही है मुर्गों की लड़ाई, ठीक है, मुर्गों की लड़ाई। और यह इनका कहाँ संग्रहित है, तो चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है भारतीय चित्र श्रद्धा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्रद्धा ये किसका चित्र है, तो आप कहेंगे के हेपबर्न साहब का है, ठीक, धान कूटते हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नर्तक, होली, दीपावली, ढोल वादक, मयूर, अड़ुबम विस्फोट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लड, कौन सा है, फ्लड, फ्लड ये भी इम्पॉर्टेंट है। साधु, टाइल फैक्ट्री, तमाशा लोकनृत्य, वीणा फेस्टिवल, इना स्लम, विकर्ण, कविता का जन्म और स्वीप्रज, ये स्वीप्रज इम्पॉर्टेंट है और फेस्टिवल इन अ स्लम इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ हो गए इनके प्रमुख चित्र, कौन कौन से, मुर्गों की लड़ाई जो आपका कहाँ पर, चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय नृत्य, श्रद्धा, धान कूटते हुए, नर्तक, होली, दीपावली, ढोल वादक, मयूर, अड़ुबम विस्फोट, फ्लड, साधु, टाइल फैक्ट्री, तमाशा लोकनृत्य, वीणा फेस्टिवल इन अ स्लम,
विकर्ण, कविता का जन्म और स्वीप्रत, तो ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हो गए। तो ये थे के हब्बर साहब, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप आपको के हब्बर अच्छे से समझ आ गए होंगे। के हब्बर साहब से इम्पॉर्टेंट हो सकता था वो सब मैंने आपको करा दिया, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।